सहारनपुर के थाना जनकपुरी में स्वाट व सर्विलांस के संयुक्त पुलिस टीम ने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर बेचकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 577 नकली सिक्के, मोबाइल, नकदी और अन्य सामान बरामद किया गया। मिर्जापुर के जमालपुर थाना पुलिस ने चोरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी व अवैध तमंचा बरामद कर बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की स्कॉर्पियो की एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गाड़ी को मैंने बिहार से 1.5 लाख रुपए में खरीदा था, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा था। आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान लुटेरे के पैर में गोली लग गई, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में पुलिस की देखरेख में कराया गया। बता दें कि 5 दिन पहले 1,70,000 की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार कर उनको कब्जे से चोरी की गई नकदी और सामान बरामद कर जेल भेज दिया। मुठभेड़ में पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में गंभीर मामले दर्ज हैं। कानपुर पुलिस ने जमताड़ा की तर्ज पर कानपुर में चल रहे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर के जरिए 2 युवक और युवतियां कॉल फ्रॉड के जरिए लोगों को चूना लगा रहे थे। शातिर फ्रॉड गैंग के सदस्यों के पास से साइबर सेल ने 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 21 सिम कार्ड, पेन ड्राइव, स्टाम्प, 16 क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नोटबुक भी बरामद की है। उन्नाव में विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति किसान के बैनर तले सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला महिला चिकित्सालय उन्नाव से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थिर पखवाड़े का शुभारंभ फीता काटकर किया और सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, इस पखवाड़े का उद्देश्य परिवार नियोजन के लिए प्रचार प्रसार करना है। मेरठ में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन नेता लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे। दरअसल गुरुवार को जयंत चौधरी मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश और राहुल का नाम लिए बिना ही कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो लोग हमें तलवार और गदा भेंट करते थे, लेकिन अब हम सरकार में आ गए हैं, अब हमें शॉल और फूल भेंट किए जाते हैं। अब हम सरकार में हैं तो देश के विकास के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जनसुनवाई केंद्र में लाइन हाजिर सिपाही रविंद्र कुमार सिंह की पत्नी, बच्चे और माता पिता ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात कर आपबीती सुनाई और अपने बेटे रविंद्र कुमार सिंह को घर वापस लाने की गुहार लगाई है। बता दें, बीते दिनों लाइन हाजिर सिपाही द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कबूल कराने की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आई और सिपाही के माता पिता को बुलाकर बातचीत की। माता पिता ने कहा कि अगर उनके बच्चे को न्याय नहीं मिलता है तो वो पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में ही बच्चे सहित आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर ने लाइन हाजिर सिपाही के माता पिता को और उसकी पत्नी को फरियाद सुनकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही महाराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने हर साल बाढ़ से भीषण तबाही मचाने वाली चेहरी और महाल नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तटबंधों का भी जायजा लिया। वहीं अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बाढ़ आपदा की तैयारी से भी रूबरू कराया। एटा के महाहर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सनसनीखेज मामले का 9 घंटे में खुलासा कर दिया। बता दें, आरोपी ने बीते दिन अपनी प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतार दिया था। सिरफिरा आरोपी आशिक युवती से एक तरफा प्यार करता था। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार चल रहा था, जिसका पुलिस ने 9 घंटे के भीतर जांच पड़ताल करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह 23 साल पहले एक मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। इस मामले में संजय सिंह को 3 माह की सजा हुई थी और संजय सिंह ने इसी के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। इस मामले में फैसला आना था, लेकिन कोर्ट द्वारा अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करने के कारण अब फैसला 22 जुलाई को आने की संभावना है। महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर स्थित कार्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें, पोक्सो एक्ट में जेल गए युवक को छुड़ाने के लिए एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी ने युवती को समझा बुझा कर नीचे उतारा। बड़खेड़ा नगर पंचायत इलाके के वार्ड नंबर 4 में बीते दिनों हुई भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। जल निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे वहाँ के लोग परेशान है। लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने डीएम को शिकायती पत्र भी सौंपा। जलाउन जिलाधिकारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि जिलाधिकारी ने दुर्घटना में घायल हुए दंपत्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुँचाया और घायल कुत्ते के इलाज के लिए मुख्य पशु अधिकारी को सूचना दी।
महाराजगंज नगर के शिवनगर बार्ड स्थित एक पानी की टंकी पर महिला 8 दिन के मासूम बच्चे को गोद में लेकर चढ़ गई। उसके बाद वो पानी की टंकी से कूदकर जान देने की बात कहते हुए चीखने चिल्लाने लगी। महिला पति को जेल भेजने से काफी नाराज थी। वहीं महिला की आवाज सुनकर लोगों ने जब पानी की टंकी पर देखा तो वो लोग सन्न रह गए। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी आ पहुंची। करीब 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद पुलिस के आश्वासन पर महिला बच्चे को लेकर नीचे उतरी। फिर आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। शाहबाद और सवायसपुर तहसील में उफनाई गरगा नदी में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव आ गए। हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। स्कूलों में पानी भर गया। लोग अपने आशियाने तोड़कर पलायन करने लगे हैं। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को पीड़ित लोगों को हर संभव मदद पहुँचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचने के निर्देश दिए। महुआ में एक ही व्यक्ति के नाम पर 39 बसें दर्ज हैं। इनमें से वो बस भी शामिल है जो उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। बता दें कि इन 39 बसों में से 35 बस बिना परमिट फिटनेस के सड़कों पर घूम रही हैं, जो हादसों को कभी भी न्योता दे सकती हैं।